Hello everyone, welcome to my channel Learn and Crack. My name is Rahul Dibroy, and from today in this series, which the title I believe आपने already पढ़ लिया होगा, it's like the sure shot questions. तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, I'm going to take questions for your banking, insurance and all this kind of competitive exams. The idea is not just to take questions for your prelims, also for your mains exam. ठीक है, because job तो mains के बाद ही मिलेगा आपको. तो आपको क्या करना है, आपको जो भी वीडियो आप मेरा देखो तो आप बिगिनिंग से एंड तक देखो ताकि आपको मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल सके वीडियो से. ठीक है, तो जो क्वेश्चंस मैं इस सीरीज में रखने वाला हूँ, तो क्वेश्चन विल नॉट जस्ट कवर वन टॉपिक. हाँ, बेसिकली मैंने जैसे अदर वीडियोज देखा है यूट्यूब में, एरर का क्वेश्चन होता है तो बस एरर का होता है, या यू नो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का. मैंने क्या सोचा है कि आपको जैसे एग्जाम में एक तरीके का क्वेश्चन बस नहीं मिलने वाला, यू आर गोइंग टू गेट ए मिक्स बैग. ठीक है, कि कुछ फिलर्स का क्वेश्चन होगा, कुछ एरर्स का हो सकता है, कुछ क्लोज टेस्ट का हो सकता है, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हो सकता है. वैसे ही एक एक वीडियो में जितना क्वेश्चन मैं ले सकूंगा, लाइक 10-15 क्वेश्चंस, तो दोस क्वेश्चंस विल कवर नॉट जस्ट वन टाइप ऑफ लाइक क्वेश्चन. ये अगर हो सकता है तो चार क्वेश्चन एरर का है, तो तीन क्वेश्चन आपको हो सकता है इंप्रूवमेंट का, हो सकता है तो फिलर का मिल सकता है. तो आप वन डायमेंशन से बढ़ के सोच सको. ठीक है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि आप वन डायमेंशन से बढ़ के सोच सको कि अगर तीन चार टाइप का क्वेश्चन आपको एक साथ मिल जाए तो हाउ योर ब्रेन रिस्पॉन्स टू दैट. ठीक है, हम वैसे ही करके सीखेंगे एज अ सीरीज प्रोग्रेसेस. ठीक है, सो विदाउट मेकिंग फर्दर डिले, लेट्स गेट गोइंग. हियर द फर्स्ट क्वेश्चन. देखो यहाँ पे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो स्टूडेंट्स, बहुत स्टूडेंट्स मिस आउट कर जाते हैं, आउट ऑफ एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि बहुत स्टूडेंट्स को ये चीज करते हुए कि वो डायरेक्शन ठीक से नहीं पढ़ते, क्योंकि बहुत सारे इस क्वेश्चन का, अच्छा आप देख के आपको समझ सकते हो कि आप दो फिलर का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा बहुत स्पेशली ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में जहाँ पे वोकैब बेस्ड क्वेश्चन होता है, कहाँ पे आपको सिनोनिमस क्वेश्चन मांग रहे, सिनोनिमस थिंग आपको बैठाना है या एंटोनिमस थिंग बैठाना है, तो आपको वो चीज सेंटेंस का डायरेक्शन पढ़ने से आपको पता चलेगा. तो डायरेक्शन मिस आउट मत करो, 5-10 सेकंड एक्स्ट्रा चाहिए तो लगा दो, लेकिन डायरेक्शन एक बार क्लियर रखो तो आप कॉन्फिडेंटली अप्रोच कर पाओगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, यहाँ पे क्या है, नीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस देयर आर टू ब्लैंक्स, बिलो ईच सच सेंटेंसेस देयर आर फाइव ऑप्शंस विथ टू वर्ड्स ईच, फिल द ब्लैंक्स. तो आपको समझ में आ चुका होगा, तो यहाँ पे फिलर का क्वेश्चन है, यहाँ पे दो ब्लैंक्स है, आपको इन पांचों ऑप्शंस में से ऐसा ऑप्शन चूज करना है ताकि वो इन दो ब्लैंक्स में सुइटेबली फिल हो सके एंड द सेंटेंस बिकम ग्रामेटिकली एंड कंटेक्सचुअली करेक्ट. ठीक है, ग्रामेटिकली बस करेक्ट होने से नहीं होगा, द सेंटेंस मस्ट बी कंटेक्सचुअली करेक्ट, इट मस्ट गिव अ सेंस वो दोनों वर्ड बैठाने के बाद, सेंटेंस जो कहना चाहता है तो वो कह सके, ऐसा वर्ड आपको चूज करना होगा. ठीक है, तो लेट्स सी द फर्स्ट ऑप्शन. तो पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं, हेलीकॉप्टर्स फ्लाई इन डैश वेदर टू डैश शिपरेक्ड मरीनर्स. हेलीकॉप्टर्स फ्लाई इन डैश वेदर, अच्छा एक एक करके ऑप्शंस देखेंगे. अच्छा एक चीज आप यहाँ पे कर सकते हो, आप ना जब ऑप्शंस पढ़ोगे यहाँ पे, क्योंकि आपके पास दो दो ऑप्शंस है, अगर पकड़ लो यहाँ पे फॉरबिडन या फॉरगो कुछ भी, आपको अगर एक रिजेक्ट हो जाता है यहाँ से, ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों को आप सुइटेबली बैठाना है. तो अगर एक रिजेक्ट हो गया तो दूसरे को देखने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम सेव करना है. ठीक है, द आइडिया इज टू सेव टाइम. तो ये चीज ध्यान में रखो, अगर पकड़ लो आपको फॉरबिडन का मीनिंग पता नहीं या फॉरगो का मीनिंग पता नहीं, तो एक को बैठा के देख लो कि मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है. अगर नहीं दे रहा है तो स्किप करके अगले में चले जाओ. ठीक है, तो लेट्स सी पहला में क्या है, द हेलीकॉप्टर्स फ्लाई इन फॉरबिडन वेदर. Forbidden का मतलब क्या है, इट्स लाइक फॉरबिडन हम लोग कब बोलते हैं, इट्स लाइक समथिंग दैट इज बैंड, इट्स फॉरबिडन. ठीक है, जब हम लोग किसी चीज को बैन मीन करते हैं तो उसको हम लोग फॉरबिडन बोलते हैं. तो हेलीकॉप्टर्स फ्लाई इन फॉरबिडन वेदर, फॉरबिडन के साथ वेदर, बैंड वेदर नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये तो गलत ही लग रहा है, ऑल्दो सीखने के लिए इसलिए मैं, नहीं तो एग्जाम में अगर मैं होता तो अभी स्किप करके नेक्स्ट में चला ही जाता, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं फॉरगो का मीनिंग भी बता के दे रहा हूँ. यहाँ पे क्या है, फॉरगो था, फॉरगो मीन्स टू रिफ्रेन, मना करना, रिफ्रेन फ्रॉम समथिंग. ठीक है, इट मीन्स टू रिफ्रेन फ्रॉम समथिंग. दैट मीन्स टू फॉरगो समथिंग. तो ये तो ऑप्शन पहले ही कट गया कि हेलीकॉप्टर्स फ्लाई इन फॉरबिडन वेदर,
टू फॉर रिफ्रेन फ्रॉम, अच्छा रिफ्रेन हो सकता था यहाँ पे, फॉरगो हो सकता था लेकिन फॉरबिडन तो नहीं होगा इसलिए ऑप्शन ने कट दिया. नेक्स्ट ऑप्शन बी क्या है, हेलीकॉप्टर्स फ्लाई इन कैप्टिवेटिंग वेदर. कैप्टिवेटिंग का मतलब है चार्मिंग. शिप रैक्ट है, यहाँ पे फंसे हुए, शिप रैक्ट मतलब शिप का फंसना, फंसे हुए में लाइक बहुत ही चार्मिंग वेदर में तो शिप फंसेंगे नहीं ऑफकोर्स, उसमें हेलीकॉप्टर्स जाके उनको रेस्क्यू करने का तो जरूरत नहीं होगा. तो कैप्टिवेटिंग भी यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि कैप्टिवेटिंग का मतलब है चार्मिंग. ठीक है, एंड एड देना, एड देना तो यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे कैप्टिवेटिंग गलत हो गया तो ये भी यहाँ पे नहीं बैठ सकता, तो ये ऑप्शन भी कट गया. नेक्स्ट डिलेक्टेबल, डू यू नो द मीनिंग ऑफ डिलेक्टेबल. Delectable means something that is mouth-watering या delicious जिसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है, delicious जिसको हम लोग बोलते हैं. तो delectable का मतलब है delicious. And of course helicopters do not fly in delicious weather. तो ये भी कट गया. ठीक है, although wanton का meaning भी मैं बता के दे रहा हूँ. Wanton means it's cruel action or violent action जिसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है, it's like violent action. Means wanton जिसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है, it's like cruel लिख के रख रहा हूँ मैं time save करने के लिए, आप लोग समझ जाना cruel और violent action. Next appealing, helicopters flying appealing weather. Appealing हो सकता है क्योंकि appealing का मतलब, it's a very common term, appealing का मतलब है horrifying या awful, जो कि बहुत ही खतरनाक जिसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है, लाइक दैट इज हॉरिफिक और हॉरिफाइंग. ठीक है, दैट्स ऑफुल. ऑफुल वेदर. टू सॉकर, सॉकर का मतलब है टू नो गिविंग सपोर्ट और गिविंग एड, जैसे यहाँ पे एड था, सेम थिंग इट्स लाइक सॉकर, टू गिव सपोर्ट और गिव एड. इट मीन्स गिविंग सपोर्ट और एड. ठीक है, तो हेलीकॉप्टर्स फ्लाई इन अपीलिंग वेदर, दैट मीन्स ऑफुल वेदर और लाइक हॉरिफाइंग वेदर. टू सॉकर शिपरेक्ड मेरिनर्स, टू गिव सपोर्ट टू देम, टू गिव टू एड. ठीक है, ये बैठ सकता है. चलो लास्ट वाला देख सकते हैं, देख लेते हैं फिर भी. एस्टाउडिंग, हेलीकॉप्टर्स फ्लाइंग एस्टाउडिंग. एस्टाउडिंग का मतलब है इम्प्रेसिव, बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव चीज है. एस्टाउंडिंग बोलते हैं ना, एस्टाउंडिंग फैक्ट. तो इम्प्रेसिव, तो इम्प्रेसिव वेदर तो होगा ही नहीं डेफिनेटली, ये भी कट गया. एंड डेटर का मतलब है टू डिस्करेज समवन. ठीक है, डेटर करना मतलब डिस्करेज करना, डिस्करेज करना, दैट इज, दैट मींस टू डेटर. तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा है एंड वो ऑप्शन है अपीलिंग. तो इसका आंसर क्या होता है, हेलीकॉप्टर्स फ्लाइंग अपीलिंग वेदर टू सॉकर शिपरेक्ड मरीनर्स. ठीक है, डन. Chalo, then let's move to the next question. After reading these dash philosophers, I find Bertrand Russell's dash style very enjoyable. Very nice sentence. So, dekh lete yahan pe kya kya options hai. After reading these dash philosophers, so number one mein kya hai? Pedantic. Pedantic is somebody who is very concerned, extremely concerned with minor details. ठीक है, या माइनर रूल्स कि यहाँ से वहां नहीं हो सकता है, तो एकदम माइनर डिटेल्स या माइनर लाइक रूल्स से लेके जो बहुत कंसर्न्ड होता है, इसको पेडेंटिक बोल रहा हूँ मैं, पेडेंटिक. ठीक है, उनको पेडेंटिक बोलते हैं, इट्स पेडेंटिक फिलोसोफर्स. आफ्टर रीडिंग दिस पेडेंटिक फिलोसोफर्स, पेडेंटिक का मतलब है नो समबडी हु इज एक्सेसिवली कंसर्न्ड विद माइनर डिटेल्स. ठीक है, वेरी माइनर डिटेल्स के साथ अगर जो एक्सेसिवली कंसर्न होता है उसको पेडेंटिक कहते हैं. अमोर्फस, अमोर्फस का मतलब क्या है, अमोर्फस दैट इज समथिंग दैट इज लैकिंग बाउंड्री, लैकिंग क्लैरिटी, लैकिंग शेप, लैकिंग फॉर्म, लाइक अमोर्फस क्रिस्टल बोलते हैं ना, तो अमोर्फस इज समथिंग दैट लैक्स क्लैरिटी या लैक्स शेप फॉर्म एक्सेट्रा. ठीक है, दैट इज अमोर्फस. अमोर्फस स्टाइल रसल्स अमोर्फस लाइक क्लियरिटी, उस पर क्लियरिटी अगर नहीं है तो वो थोड़ी एंजॉयबल होगा. तो नंबर वन तो कट गया यहाँ से. ठीक है, नेक्स्ट फ्लैशी एंड हॉबलिंग. ठीक है, फ्लैशी था, हाँ फ्लैशी एंड हॉबलिंग. फ्लैशी का मतलब क्या है, समथिंग दैट इज, हम लोग बोलते हैं ना द
the suit that she is wearing is very flashy. Flashy means something that is very flamboyant, very showy, या very ना इसको हम लोग जिसके जिसको बोलते हैं like आँखों में लगना, इसको flashy बोलते हैं, right? Very, after reading these flashy philosophers, अच्छा flashy, I find Bertrand Russell's style, their style, hobbling था यहाँ पे. Hobble का मतलब है to walk in a very awkward way because of pain or something. इसको hobble करना बोलते हैं. जैसे बहुत ही ऐसा करके चलते हैं बिकॉज ऑफ पेन या ऐसे बहुत चोट पहुंच अगर ज्यादा चोट पहुंच जाए तो हम लोग कैसे चलते हैं, इसको होबल करके चलना बोलते हैं. ठीक है, थीके? तो यहाँ पे तो ये चीज का कोई सेंस ही नहीं बैठ रहा है, तो ये भी कट जाएगा, फ्लैशी एंड होबल. नेक्स्ट, कमोविंग एंड टिंकरिंग. तो आफ्टर रीडिंग दिस, कमोविंग है, कमोव का मतलब है टू मूव विथ फोर्स और वायलेंस, बहुत ही फोर्स या वायलेंस के साथ मूव करना, इट मीन्स टू कमोव. ठीक है, कमोव, कमोव मीन्स टू मूव विथ फोर्स, इट मीन्स टू कमोव. ठीक है, एंड टिंकर का मतलब है to improve something, to it means to attempt to repair something. ठीक है, it means tinker करना, attempt to repair. आप ऐसे कर सकते हो या आप लिख सकते हो improve something. Improve something. तो इसका भी tinkering style very enjoyable या to move with force, यहाँ पे तो कोमोविंग का कोई मतलब ही नहीं बैठता. After reading this कोमोविंग philosophers, तो ये भी कट गया. Next, rosin. Rosin का मतलब है exiting, किसी चीज से exit करना, exit लेना, that's rosin. Next, burnish. Burnish का मतलब है polish. हम लोग बोलते हैं ना like इस furniture को burnish कर देते हैं, तो इट मीन्स इसको पॉलिश कर देते हैं. बर्निश करना मीन्स पॉलिश करना. ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंस बैठता है क्या, देखते हैं. आफ्टर रीडिंग दिस एग्जिटिंग, हाँ ऑफ कोर्स नहीं बैठेगा, लाइक पॉलिश स्टाइल हो सकता था, बर्निश स्टाइल हो सकता था, लेकिन ये तो राउजिंग तो होगा ही नहीं, तो ये भी कर गया. लास्ट क्या है, आफ्टर रीडिंग दिस स्टॉजी फिलोसोफर्स, आई फाइंड बर्ट्रेंड रसेल्स pellucid style very enjoyable. तो stodgy का मतलब है that is something that lacks originality. Stodgy is something that is like हम लोग बोलते हैं ना, जैसे stodgy या stoggy, दोनों pronunciation correct है. It's like जो बोलते हैं कि जिसको ये original नहीं है. ठीक है, इसीलिए वो कह रहा है कि बाकी philosophers को पढ़ने के बाद रसल का स्टाइल उसको बहुत ही अच्छा लगा, that means वो बहुत ही ओरिजिनल होगा या बहुत ही अंडरस्टैंडेबल होगा, राइट? तो स्टॉजी का मतलब है समथिंग दैट लैक्स ओरिजिनलिटी. ठीक है, ओरिजिनलिटी. एंड pellucid का मतलब है अंडरस्टैंडेबल. Understandable, जो पढ़ के समझ में आए. ठीक है, after reading this stodgy philosophers, I find Bertrand Russell's pellucid style very enjoyable. तो क्या होगा, option E happened to be the correct answer. ठीक है, अगर पता नहीं है तो साइड में करके लिख लेना आप लोग भी. Let's go to the next sentence then. She launched into a furious dash about how she had been dash treated. So she launched into a furious dash, a furious diatribe. ठीक है, diatribe means diatribe and polemic. इन दोनों का मतलब same है. Diatribe and polemic, इनका मतलब है it's like a bitter verbal attack. ठीक है, मुंह से जो वर्बल अटैक करते हैं, बहुत ही बिटर, बहुत ही तीखा वर्बल अटैक, इसको हम लोग डायट्राइब या पोलेमिक कहते हैं. ठीक है, इट मींस बिटर वर्बल अटैक. ठीक है, तो शी लॉन्च्ड इनटू अ फ्यूरियस डायट्राइब अबाउट हाउ शी हैड बीन डैश ट्रीटेड. तो नेक्स्ट क्या है, जस्टली.
जस्टली का मतलब है करेक्टली. तो करेक्टली अगर किसी को ट्रीट करते हैं तो वो थोड़ी वो डायट्राइब फॉर्म में आएगा, वो फ्यूरियस होगा. ठीक है, उसको उसका साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ होगा इसीलिए वो आया है. तो जस्टली एंड अपराइटली, अपराइट का तो मीनिंग ही अलग है. अपराइट मीन्स टू कीप समथिंग इन अ वर्टिकल पोजिशन, इसको हम लोग अपराइट कहते हैं. तो जस्टली मीन्स करेक्टली. हाँ, ये वो वाला जस्ट नहीं है, जस्ट जो और एक जस्ट है जिसको हम लोग जिसका मीनिंग है करेक्ट या राइट. ठीक है, हम लोग जिसको राइट कहते हैं. Like the judge took the just decision, that means the right decision. वैसे ये rightly है, ये correctly है, ये correctly. ठीक है, तो ये sense तो बैठ ही नहीं रहा है, ये sense भी नहीं बैठ रहा है uprightly. ठीक है, ये दोनों कट गया. Next, invective. She launched into a furious invective. Invective means insulting or abusive, something that is insulting or abusive. ठीक है, abusive, गाली देना जैसा. About how she had been befittingly treated. अभी befittingly का मतलब है in an appropriate manner. ठीक है, befit करना in an appropriate manner. अगर appropriate manner में उनको treat करता तो same reason है, वो क्या फ्यूरियस होती? डेफिनेटली नहीं होती. तो बी फिटिंग मीन्स टू बी ट्रीटेड इन एन अप्रोप्रिएट मैनर. ठीक है, यहां पे आप लोग लिख लेना इन एन अप्रोप्रिएट मैनर. ठीक है, तो अप्रोप्रिएट मैनर भी यहां पे गलत हो गया. नेक्स्ट क्या बच्चा? She launched into a furious tirade. हाँ, tirade हो सकता है. Tirade is a like long speech of criticism या all this kind of accusation जिसे हम लोग बोलते हैं, इसको tirade कहते हैं. ठीक है, about how she had been unfairly treated. Unfairly का मतलब है unjustly. यहाँ पे justly था, justly was correctly. ठीक है, यहाँ पे unfairly means unjustly. तो इसको अच्छे से उनको ट्रीट नहीं किया गया इसीलिए वो ऐसे फ्यूरियस हो गई होगा. तो यहाँ पे ये दोनों सेंस करेक्ट बैठ रहे हैं. ऑल्दो लास्ट वाला भी एक बार देख ही लेते. शी लॉन्च्ड इनटू अ फ्यूरियस रेंट. रेंट का मतलब है शाउट करना. एंड अबाउट हाउ शी हैड बीन ड्यूली. ड्यूली तो होगा ही नहीं. ड्यूली का मतलब है लाइक एज एक्सपेक्टेड. Like duly is something as expected. वो अगर expectedly treat मिला होता वो थोड़ी shout करती. Like he was duly impressed. ठीक है, ऐसा करके use करते. Like duly is as expected. So यहाँ पे एक ही option बच रहा है. तो tired and unfairly. तो option D would have been the correct answer. ठीक है, चलो next sentence देखते हैं फिर से. His manner was aristocratic. His movements dash and dash. ठीक है, बहुत ही मजेदार sentence है. His manner was aristocratic. बहुत ही शानदार aristocratic manner है. His movements dash and dash. पहला है disheveled and urbane. Disheveled का मतलब है untidy. यहाँ पे aristocratic अगर उसका manner है वो untidy थोड़ी होगा. ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है? Untidy, disheveled. तो ये तो actually ऐसे ही कट गया, ये definitely नहीं होगा. अर्बेन फिर भी मैं बता के दे दे रहा हूँ. अर्बेन मीन्स वेरी रिफाइंड, वेरी सुआव, वेरी सोफिस्टिकेटेड. इसको अर्बेन कहते हैं. वेरी सुआव, वेरी रिफाइंड, ये अर्बेन हो सकता था लेकिन इसके साथ डिसेबल्ड डेफिनेटली नहीं होगा. तो ये ऑप्शन वन कट गया. तो इट इज वेरी रिफाइंड और सोफिस्टिकेटेड. ठीक है, और सुआव, सुआव तो यहाँ पे लिखा भी है. सुआव एंड अर्बेन दे आर सिमिलर मीनिंग. ठीक है, नंबर वन कट गया. नंबर टू, हिज मैनर वाज एरिस्टोक्रेटिक, हिज मूवमेंट्स डैपर. हाँ, डैपर हो सकता है क्योंकि डैपर का मतलब क्या है? लाइक नीट एंड नाइसली. स्पेशली डैपर लड़कों के लिए यूज होता है. ठीक है, इट्स लाइक बहुत ही फेमस है आज के दिन डैप करना. राइट, तो डैपर मीन्स लाइक नीट एंड टाइडी जिसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है, नीट एंड सॉफ्ट. सॉफ्ट ऑल्सो हो सकता है. अभी जैसे बोला मैंने अर्बेन, सोफिस्टिकेटेड, तो ऑप्शन बी हो सकता है. चलो रखते हैं. नेक्स्ट देख लेते क्या है. टॉसल्ड एंड अफेबल. अफेबल हो सकता था.
tousled का मतलब है it's the same meaning like disheveled. It means untidy. तो ये भी नहीं होगा, कट गया. ठीक है, जेनियल हो सकता था. जेनियल का मतलब है, अच्छा, friendly का मतलब है affable. ठीक है, जेनियल एंड friendly का, I mean affable का मतलब है friendly. ठीक है, like affable, if amiable, amicable, इन सब का words का meaning क्या है? It's like a friendly. Rumpled, rumpled का मतलब है untidy. फिर से यही चीज आ रहा है, untidy नहीं होगा definitely. इसके बाद क्या है? His manner was aristocratic, his movements scruffy. Scruffy भी नहीं होगा. Scruffy का मतलब है shabby या dirty, हम लोग जिसको बोलते हैं, like very shabby या very dirty. ठीक है, and ingratiating का मतलब है to gain approval. यहाँ पे तो इसका तो meaning ही नहीं बनता है. तो एक ही option बचा है, कौन सा? Option B. ठीक है, तो यहाँ पे चार sentences हमको इसका मिल गया. Let's देखते हैं क्या है. अच्छा, error correction का question है. Next error correction का question है. इसमें देखो, फिर से एक बार देख लेते sentence direction. Read the following sentences to find out if there are any grammatical error in it. ठीक है, अगर कोई एरर नहीं मिला तो नो एरर विल बी द राइट आंसर. चलो देख लेते हैं. ही इज अ रिनाउंड म्यूजिशियन बट ऑफ हिज थ्री सन्स नीदर हैज एनी इंटरेस्ट इन म्यूजिक. फिर से एक बार सेंटेंस पढ़ो, आई एम गिविंग यू 50-20 सेकंड्स. फिर से आप एक बार सेंटेंस पढ़ो, आपको एरर दिखे तो जल्दी से बताओ कॉमेंट करके. ऑफकोर्स ही इज अ रिनाउंड म्यूजिशियन बट ऑफ हिज थ्री सन्स नीदर हैज एनी इंटरेस्ट इन म्यूजिक. मिला? चलो एक चीज मैं पहले आपको समझाता हूं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीदर? नीदर का मतलब क्या है? नीदर मींस जीरो आउट ऑफ टू. लाइक ये नीदर ऑफ द बॉयज, नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, जीरो आउट ऑफ टू. ईदर का मतलब क्या है? ईदर का मतलब है वन आउट ऑफ टू, दोनों में से एक. एंड बोथ का मतलब क्या है? बोथ मींस टू आउट ऑफ टू. यहां पर क्या है? He is a renowned musician, but of his three sons, कितना बेटे हैं इनके? तीन बेटे. तो जब three sons, जब noun तीन लड़के हो गए, इसके साथ neither कैसे होगा? कभी भी neither नहीं हो सकता, क्योंकि neither, either या both हमेशा दो के बीच काम करता है. Not less than two, not more than two, just दो के बीच में ही काम करेगा. तो he is a renowned musician, but of his three sons, neither has any merit. Neither के बजाय क्या होगा? None has any merit. क्योंकि neither क्यों नहीं होगा? Neither हमेशा दो के बीच काम करता है. अगर two sons होता तो ये neither होता. तो none has any merit. ठीक है, straightforward easy question था. Next, the famous TV presenter Oprah Winfrey has great influence on her fans. अच्छा, last sentence में क्या मैंने बता दिया ना? Option C would have been answer. आप option C आप क्लिक करते, option C merit था. इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर सिक्स, द फेमस म्यूजिशियन ओप्रा विनफ्री हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन हर फैंस. मिला आपको? एरर दिखा? देखो, इन्फ्लुएंस के साथ प्रपोजिशन ऑन नहीं होता है. यू हैव इन्फ्लुएंस ओवर समबडी, यू हैव इन्फ्लुएंस ओवर समवन. तो इन्फ्लुएंस के साथ प्रपोजिशन ओवर होता. ठीक है, ये प्रपोजिशन का एरर था. इन्फ्लुएंस ओवर, नॉट इन्फ्लुएंस ऑन. ठीक है, इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस था, कोई टेंशन नहीं है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस देन. ही ग्रजिंगली एक्नॉलेज्ड हैविंग मेड अ ब्लंडर मिस्टेक व्हाइल आंसरिंग अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंशियंट इंडिया. चलो एक 10 सेकंड टाइम, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. बहुत ईजी है, बहुत ईजी सेंटेंस है. देखो, ऐसे सेंटेंसेस भी आपको एक साथ मिलेगा. मैंने पहला तीन चार क्वेश्चन आपको, अगर थोड़ा टफ लगा कि वोकैब बेस्ड क्वेश्चन था, जनरली फिलर्स का वोकैब बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन देखो एक सेट में ना आपको, इट विल बी ऑलवेज अ सेट आपको जो एग्जाम में मिलेगा. हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि अनअटेम्प्टेबल है. यू विल फाइंड सेंटेंसेस या क्वेश्चन विच आर अटेम्प्टेबल. अगर वो अगर मिस कर गए, ठीक है, देयर आर सम सेंटेंसेस जो बहुत लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, वो स्किप करेंगे. लेकिन ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंसेस को अगर स्किप करोगे, आपको चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन विल बी सब्सटेंशियली लो.
तो ये ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आप मिस ही नहीं कर सकते इन एनी केस, ठीक है? तो देखते क्या है, तो आपको आई थिंक आंसर मिल ही गया होगा कि ग्रजिंग ने एक्नॉलेज्ड हैविंग मेड ए ब्लंडर मिस्टेक व्हाइल आंसरिंग ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंशिएंट इंडिया. देखो इसमें क्या था, ब्लंडर एंड मिस्टेक, दिस इज सुपर फ्लॉज. सुपर फ्लॉज और रिडंडेंट का मतलब है जो जरूरत नहीं है जबरदस्ती सेंटेंस में यूज किया गया है. ब्लंडर का मतलब ही है मिस्टेक, राइट? ब्लंडर का मतलब ही है मिस्टेक करना. तो ये दोनों एक साथ एक सेंटेंस में नहीं बैठ सकता. इनका मतलब दिस इज बिकॉज एक साथ इनको यूज करना मतलब सुपरफ्लॉस करना, दैट मींस जबरदस्ती यूज करना जहां पे उसका जरूरत नहीं है. तो ही ग्रजिंगली एक्नॉलेज्ड हैविंग मेड ए ब्लंडर मिस्टेक व्हाइल आंसरिंग, इधर हैविंग मेड ए ब्लंडर या हैविंग मेड ए मिस्टेक. तो मैं ब्लंडर को ही रखूंगा, मिस्टेक यहां से रिमूव हो जाएगा. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होता है. करेक्ट आंसर मतलब ऑप्शन सी को मार्क करते हैं क्योंकि ब्लंडर एंड मिस्टेक एक साथ नहीं होगा, दोनों का मतलब सेम हो जाता है. क्लियर? चलो नेक्स्ट सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, सिंस यू आर ए केमिकल इंजीनियर इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू टू बी फेमिलियर विद द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री. फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, सिंस यू आर ए केमिकल इंजीनियर कॉमा It is expected of you, expected of, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, expected के साथ of होता, it is expected of you to be familiar with the basic principles of chemistry. चलो, take 10 seconds time, try to find out error. इसके बाद तो मैं हूँ. मिला? कैसे मिलेगा? Error तो है ही नहीं. Sentence में error था ही नहीं. So, it is a no-error question. Since you are a chemical engineer, it is expected of you to be familiar with the basic principles of chemistry. No problem, no error in the sentence. ठीक है? अच्छा, so that was the end of our error correction का set आज के लिए. Yes, ये मतलब series का इस video के लिए. Next, अभी हमको क्या मिला? Phrases and idioms. तो यहाँ पे the given phrase and idioms has been used properly according to its meaning and marked your answer from the options. यहाँ पे ये phrase या idioms आपको ऐसा मिलेगा, इसको sentence में use किया गया है. अगर आपको लगता है कि sentence में correctly use किया है तो accordingly answer आप mark करो. आपको अगर लगता है कि A and B में correctly use किया गया तो answer A and B होगा. अगर लगता है नहीं 2 and 3 में use किया गया अच्छा ठीक से तो ये Both 2 and 3 होगा तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा. ठीक है, करना क्या है समझ में आ गया अपन को. लेट्स स्टार्ट देन. अल्फा एंड ओमेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा एंड ओमेगा? एनीवन कैन टेल मी? कोई बता सकता है? कोई किसी को पता है अल्फा एंड ओमेगा? दिस इज अ वेरी कॉमन फ्रेज अल्फा एंड ओमेगा. अल्फा एंड ओमेगा मीन्स फ्रॉम ए टू जी, जिसको हम लोग ए टू जी कहते हैं, शुरुआत से लेके एंड तक, या फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. ठीक है, इसको From this is called alpha and omega. That means from beginning to end, from A to Z. So यहाँ पे क्या होगा? The strategy to control inflation remains the alpha and omega of the government's economic policy. हाँ, definitely हो सकता है. The strategy to control inflation, inflation को control करना government का economic policy का main A to Z हो सकता है. Definitely number one हो सकता है. अच्छा चलो देखते हैं. Number two, when he took up the job of a mechanic at the factory. He had to learn the alpha and omega of the machines before he could start working on them. So, यहाँ पे भी हो सकता है alpha and omega. He had to learn the alpha. उसको शुरुआत से end तक. That means एकदम from A to Z of the machines. उसको सब कुछ जानना था. अगर when he took up the job of a mechanic in a factory, उसको अगर mechanic as a mechanic in a factory में job लेना है, तो उसको machines के बारे में A to Z आपको उसको पता चलना होगा. Otherwise वो काम कैसे करेगा? तो option B भी बन सकता है. Next देखते हैं. If you have kids and a mortgage together, you are pretty much married in alpha and omega. नहीं, यहाँ पे कोई sense नहीं बैठता alpha and omega का. तो you are pretty much married in A to Z from beginning to end. ऐसा कोई sense नहीं बैठता. तो ये गलत हो गया यहाँ पे alpha and omega का use. तो एक तो कौन सा use correct होगी? Option one correct हो गया, two correct हो गया. तो accordingly कौन सा option correct होगा? Both 1 and 2. ठीक है? Next sentence. इसमें क्या करना है? सिलेक्ट एन ऑप्शन व्हिच मोस्ट सुइटेबली रिप्लेसेस द अंडरलाइन फ्रेज. अच्छा, अंडरलाइन फ्रेज को जो रिप्लेस कर सके. देखते क्या है. डिस्पाइट द लॉस ही हैड टू फेस बिकॉज ऑफ कोविड-19 क्राइसिस, ही नेवर फेल्ड टू कीप हिज टेंपर. टू कीप वन्स टेंपर, ठीक है? द
phrase is to keep one's temper. It means to control, yeah, to maintain control, maintain the data. Maintain control of one's composure despite being angry or upset. पता चल गया मीनिंग? इसका मतलब है जितना भी आप गुस्सा कर लो, जितना भी आप अपसेट हो जाओ, फिर भी खुद को कंट्रोल में रखना. इट मींस टू कीप वन्स टेंपर. ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे क्या है? टू बिकम हंग्री, ऑफ कोर्स नहीं होगा. टू बी इन ए गुड मूड, चलो हो सकता है इसे बेटर मिलता है क्या देख लेते हैं. टू प्रिजर्व वन्स एनर्जी, ऑफ कोर्स नहीं होगा. टू बी अलूफ फ्रॉम, अहा, नन ऑफ दिस, अहा. तो एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा? ऑप्शन बी, टू बी इन ए गुड मूड. दैट मींस टू कंट्रोल वन्स कंपोजर despite. तो यहाँ पे क्या लिखा है? Despite the loss he had to face because of COVID-19 crisis, he never failed to be in a good mood. So to keep his temper. So this happened to be the end of this series. आज का series, ये series का set one का set. I hope you liked it. I hope आपको यहाँ से value मिला. यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला. If this is the case and आप अगर अंत तक देख रहे हो इसको, please don't forget to subscribe, hit like, ताकि you know it encourages me to मैं ऐसे अच्छे अच्छे videos और भी बना सकूँ, और भी ला सकूँ. You know it will help you clear your competitive exams. ठीक है, for now I'm taking a leave. Thank you so much. Have a good day.